पहला सवाल है, सलीम गेव अ लोन ऑफ 1 लाख रुपए, सलीम गेव अ लोन ऑफ 1 लाख रुपए टू अहमद कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। सलीम ने अहमद को 1 लाख रुपए का लोन दिया, उस पर 10% इंटरेस्ट है, ठीक है। आमिर एंड रेहान अग्री टू एक्ट एज, आमिर और रेहान अग्री टू एक्ट एज अहमद सिक्योरिटीज। आमिर और रेहान ये दोनों ने अग्री कर लिया कि हम अहमद की सिक्योरिटी बन जाएंगे। तो क्लास ये कौन सा कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी का, श्योरिटी का, हमने अपने लेक्चर में देखा था। श्योरिटी वाला प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे लिखे तो ज्यादा अच्छा है, और बोले ना तो इससे मुझे इजी रहेगा। एनीवेज तो कांट ज्वाइन द क्लास, ये कौन है जी, आगा शारिक, अच्छा खैर। तो अहमद ने, अहमद के लोन मिला और आमिर और रेहान ने श्योरिटी बन गए, अग्री कर लिया कि हम को श्योरिटी होंगे। इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अलोंग विद द रीजंस, वजूहात के साथ, हाउ मच ईच श्योरिटी वुड बी लायबल टू पे इन रुपीस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। ये कहता है कि एक श्योरिटी दो है तो एक श्योरिटी कितना लायबल होगा पे करने के लिए इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस, यानी आपने दोनों सूरतों में अलग अलग देखना है। तो यहाँ तक आपने सिर्फ इतने फैक्ट जमा करने थे कि इसने इसको लोन दिया है नंबर वन, और नंबर टू ये कोश्योरिटी है, दैट्स इट। नीचे बढ़ते, अहमद डिफॉल्टेड एंड सलीम बीइंग अवेयर ऑफ वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रेहान, अहमद जिसको लोन दिया गया था वो डिफॉल्ट कर गया। सलीम को पता था कि फाइनेंशियल पोजीशन रेहान की, यानी वन ऑफ द कोश्योरिटीज की, वीक है। उसने आमिर से कहा, आस्क आमिर एंड रेहान टू पे 75% एंड 25% ऑफ द डिफॉल्ट रिस्पेक्टिवली। अब इसको थोड़ा सा जमा कर दें, सलीम ने अहमद को लोन दिया और 1 लाख रुपए लोन दिया 10% पर एनम के हिसाब से। आमिर और रेहान को श्योरिटी हैं, और जो सलीम है जो लोन देने वाला है उसको पता था कि आमिर भाई के हालात ओके हैं और रेहान भाई के हालात पतले चल रहे हैं। तो उसने खुद से ही आमिर से कहा कि तुम 75% दे दो, और रेहान को कहा तुम 25% दे दो। हमने वजूहात के साथ बताना है, विद द रीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, क्या इसका ऐसा करना सही है कि नहीं। जी क्लास प्लीज। लिख के बता दो तो बहुत अच्छा है, चैट बॉक्स भी आपके लिए है। जी क्लास प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको सवाल समझ आ रहा है। कोरिटी शुड हैव अग्रीड, सर शारिक को कह रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। भाई मैं सबको साथ साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर आना जाने का लगा हुआ, मैं कैसे उसको मैनेज करूँ। खैर शारिक आ चुका है, वो सर दोनों के सेम देयर करना होगा। जी आप लोगों का मुझे रिप्लाई चाहिए, आपको क्या लगता है अगर आप एग्जाम में होते तो इसका क्या आंसर देते। जी क्लास प्लीज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन व्हाट ग्राउंड्स। मैसम साहब कहते हैं ऑल द पार्टी अग्रीज, मैसम भाई क्या अग्रीज। अब देखो अब आप लोग मिड टर्म दे के आ चुके हो, अब फाइनल होने वाला है या क्विज होने वाला है, तो उधर भी आप लोग ऐसे ही लिखोगे इफ ऑल द पार्टी अग्रीज तो क्या अग्रीज। यस सर दोनों का सेम ही करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इट वॉज नॉट डिसाइडेड इन द बिगिनिंग के कौन सा कि कौन कितना भरेगा। जबरदस्त, हसनैन ने जो प्रॉपर आंसर दिया है इसको हम कहेंगे एग्जैक्ट आंसर जो कॉपी में दिखना चाहिए। हसनैन भाई ने जो आंसर दिया है ऐसे ही आंसर दिया जाता है। हसनैन खैर दो है, बहरहाल दोनों है। तो हसन भाई ने और हसनैन भाई ने जो मिला के जवाब दिया है, तो क्योंकि एक लिखा है हसन ने लिखा है इट वॉज नॉट डिसाइडेड इन द बिगिनिंग के कौन कितना भरेगा, और हसनैन ने इसको कहा कि आमिर एंड रेहान शुड हैव अग्रीड। एनीवेज अब देखें, बात सुने, देखें जब कुछ भी ना हो तो हमने देखा था इक्वल पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर यही होगा। लॉ हम क्या बताएंगे कि अगर कोई कोई अदरवाइज अनलेस अदरवाइज अग्रीड नहीं है, यही वर्डिंग होगी ना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बोथ द कोश्योरिटीज शुड हैव कंट्रीब्यूशन इक्वल, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि आमिर रेहान का हालात बुरा होना और सलीम का ऐसा कहना ऐसा नहीं होगा, और ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूशन करेंगे। सिंपल ये आंसर हो गया,
ओप कि हाँ ये हो गया, आपको समझ आया। नेक्स्ट, सलीम विदाउट डिस्कसिंग विद रेहान रिलीज आमिर फ्रॉम द श्योरिटीशिप। सलीम ने अब क्या करा, एक कदम और आगे बढ़ गया, डिस्कस नहीं किया रेहान से और आमिर को रिलीज कर दिया श्योरिटीशिप से। ऊपर वो रेहान पे तरस खा रहा था, यहाँ पर इसने ऐसा किया है कि आमिर को हटा दिया और रेहान को रखा। एमेट डिफॉल्ट कर गया एंड सलीम आस्क्स रेहान टू पे द एंटायर अमाउंट। तो पार्ट टू ओके आगा, मैं कोशिश करता हूँ उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ जी। प्लीज दूसरे का आंसर क्या होगा। सलीम भाई ने इधर फारिग कर दिया आमिर को और रेहान से कहा चलो आओ पूरा पैसा पे करो, क्योंकि बंदा डिफॉल्ट कर गया। अब क्या होगा। सर सलीम साहब ऐसा नहीं कर सकते, क्या बात है, सलीम साहब ऐसा नहीं कर सकते, और सलीम साहब तो कुछ भी कर सकते हैं वैसे। हमें लॉ बताना है, लॉ क्या कहता है, रिवोकेशन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूशन विदाउट इंजरी द कॉन्ट्रैक्ट इज डिसॉल्व। ये देखिए अरीबा बिलवानी बिल्कुल ही एक नया जवाब लेकर आएंगे, बिल्कुल गलत है। और कोई जी क्लास प्लीज। जी आप किसी को पार्टिसिपेट करना चाहेगा प्लीज। बोल के भी कर सकता है। नहीं कंचन की बात ही नहीं, आप लोग सब इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर बताए। सर रेहान सिर्फ अपना हिस्सा पे करेगा, एंटायर नहीं। सर सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ भी आपके सामने स्क्रीन पे भी है कि सलीम ने अहमद को लाख रुपए लोन दिया और कहा तुम उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी देना। अब आमिर और रेहान ने दोनों मिलकर कोश्योरिटी बने और उन्होंने गारंटी दी कि अगर अहमद कुछ भी करेगा तो सलीम भाई हम बैठे हैं ना। अब क्या हुआ, सलीम ने रेहान से बात के बगैर एक कोश्योरिटी को आमिर को कहा कोई बात नहीं तुम जाओ। अहमद डिफॉल्ट कर गया और सलीम ने रेहान से कहा कि तुम पूरे पैसे पे कर दो। क्या ऐसा हो सकता है। सर पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि उनके साथ सब डिस्कस हो, तो शिजा ये दोनों पार्टनर्स नहीं है, कहाँ है ये पार्टनर्स। सर सलीम किस तरह निकाल रहा है, लाइक सलीम पास तो राइट ही नहीं है ना उसको निकालने का। भाई तो ये आप लड़ थोड़ी सकते हैं, एग्जाम में आंसर देना होगा, लॉस है। अगर आपने वीडियो देखी है पूरी, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। निकाल नहीं सकता ये एक अलग मसला है, इधर होगा क्या ये बताओ। देखो सवाल पढ़ो, सवाल में क्या लिखा है, सवाल में ये लिखा है इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सवाल में ये नहीं लिखा वो कैसे कर सकता है, सर ये कैसे होगा। इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिटरमाइन हाउ मच ईच श्योरिटी वुड बी लायबल टू पे अलोंग विद द रीजन। आपने ये बताना है कौन कितना पेबल होगा, किसके लिए पेबल होगा और रीजन बतानी है। तो पेमेंट तो आप लोग सब सही कह रहे हैं कि रेहान ने 50% पे करना है, एब्सोल्युटली राइट। रीजन आप लोग नहीं बता पा रहे और आए बाएं शाय कर रहे हैं। रीजन लेकर आओ, वजह लेकर आओ। कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए, तो नहीं हुआ हुआ था तो क्या होगा, यही तो सवाल है। आसिम ख्वाजा कहते हैं कि सर रेहान पे कर देगा पूरा अमाउंट और फिर सर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। ये कौन है भाई, तुम अपना नाम भी साथ साथ बताया करो। उसामा तो नहीं हो, निजार। अच्छा निजार भाई, क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड क्यों होगा। सर क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं हुआ था ना कि किसने क्या करना है, तो यही तो ये तुम देख चुके हो डिसाइड नहीं हुआ था तो 50% पे करना है, भी ऊपर तो देखा है इक्वल पेमेंट करनी है। अच्छा देखो आसिम भाई ने प्रॉपर आंसर दिया है कि सर रेहान पे कर देगा पूरा अमाउंट और फिर आमिर लायबल होगा रेहान को पे करने के लिए, ये आंसर भी सही है। अब देखें बात सुने, सीन क्या है।
भाई सिंपल, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमने यही देखा था ना कि ईच श्योरिटी इज लायबल टू पे इक्वल अमाउंट, यानी को श्योरिटीज आर लायबल टू पे इक्वली। लॉ ये था, अगर कोई डिसाइड ना हुआ हो तो लॉ ये था कि इक्वल पेमेंट होगी। लॉ सबको पता है, लेकिन लॉ क्या है को श्योरिटी का? को श्योरिटी का सिंपल ये लॉ है, को श्योरिटी का जो लॉ है वो एक है, या तो इक्वल होगी अगर कुछ भी ना लिखा हो, या उतना होगा जितना कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड हो, लेकिन उसमें भी पेमेंट इक्वल होगी लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट होगा कि कितना पे कर सकता है। ये सिंपल लॉ है। अगर सबको लॉ पता है, देखिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, लॉ का पेपर करने के लिए आपको लॉ पता होना चाहिए। अब इस लॉ के अंदर रहते हुए ही हमने आंसर ड्राफ्ट करना होगा हमेशा को श्योरिटी के केस में। तो पहले वाले में हमने यहाँ से निकाल लिया कि वो 75% 25% की बातें कर रहा है, हालांकि कुछ नहीं बात हुई तो इक्वल होगा। दूसरे वाले में भी हम यहीं से निकालेंगे, कि अगर एक को श्योरिटी को क्रेडिटर कह रहा है कि जाओ तुम्हें मैंने माफ कर दिया, और वो कह रहा है पूरी पेमेंट करो, तो हम यही कहेंगे कि अगर रेहान पूरी पेमेंट कर भी दे, स्टिल आमिर उसको 50% पेमेंट करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर के क्रेडिटर के रिलीज करने से एक श्योरिटी को श्योरिटी अपने दूसरे को श्योरिटी के साथ रिलीज नहीं होता। ये हम देख चुके हैं क्लास में या लेक्चर में पिछली, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रेडिटर के रिलीज करने से एक श्योरिटी को वो अपने को श्योरिटी के लिए रिलीज नहीं होता, ही इज लायबल टू हिज को श्योरिटी, वरना म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे वर्कआउट होगा? और अगर म्यूचुअल एजेंसी को हम यहाँ लिफ्ट ना भी कराएं तो ये बात बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखी हुई है। आपको शायद याद हो तो श्योरिटी का जो एरिया है किताब के अंदर उसमें लिखी हुई है, आप अपने पास किताब खोलिए और आपको मिल जाएगा ये। क्या बात समझ आई क्लास? इसीलिए सवाल करवाने की इम्पोर्टेंस होती है। अभी आधी कॉम गायब है, अब उनसे ये मिस हो गया, वो पेपर में वही आंसर ड्राफ्ट करेंगे जो आप अभी मुझे अपने आंसर दे रहे थे। ऑल्टरेशन होगा, पार्टनर्स होंगे, कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, ये गलत बात कर रहा है। दिस हाउ द स्पेसिफिक लॉ इज, लॉ में एक बात लिखी हुई है। लॉ सिंपल था, या तो इक्वल होगा कुछ नहीं लिखा हुआ, या टू द एक्सटेंट होगा जितने गारंटी दी है लेकिन पेमेंट इक्वल होती रहेगी। यहाँ पे कुछ बात नहीं हुई भी तो दोनों केसेस में इक्वल होगा। मेरे ख्याल से ये सवाल का आंसर समझ आ गया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये क्लियर है क्लास? भाई क्लियर है क्या? हम आगे बढ़ सकते हैं सर? जी सर, मतलब पेपर में ये लिखना भी सही होगा कि एक इनमें से एक बंदा पूरे पेमेंट कर दे और फिर बाद में जाके दूसरे से ले सकता है, कि लॉ ही मेंशन करना जरूरी है? भाई देखो, आपने लॉ बता दिया कि को श्योरिटीज आर इक्वली लायबल अनलेस अग्रीड अदरवाइज। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? लेकिन बस सर, लेकिन मुझे बाकी हाँ बोलो जी सर, जो बाकी 50% है, एक तरीके से रेहान लायबल तो नहीं है वो पे करने के लिए, वो फिर क्यों पे कर रहा है? नहीं, रेहान उसको पे कर दे तो उसको बुराई भी क्या है, क्योंकि को श्योरिटीज आर लायबल टू ईच अदर भी ना। सही सर, अच्छा सही है, दोनों मिलके गारंटी देने आए थे ना सर, लेकिन 50-50% के लिए आए थे ना दोनों। अब अगर 100% वो पे कर रहा है उसको और आमिर को बाद में पैसे ना दे, रेहान उसको कह सकता है कि भाई मैं 50% ही दूंगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे भी आंसर ड्राफ्ट कर दे 100% पे कर दे तो 50% आमिर से लेगा ही लेगा। सही सर, ठीक है जी, ठीक है। और सर ये एनफोर्समेंट पे करे, हाँ कर दे, उसको बोले कि भाई मैंने थोड़ी, तुमने इसको क्यों, किस बेसिस पे डिस्चार्ज किया? तो सर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएगा ना इनवैलिड। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी क्या खराबी आई है कि इनवैलिडेशन होगी? और सर अगर आमिर रेहान को पैसे ना दे तो, सॉरी हेलो, 50% अमाउंट रह रही है ना उसकी आमिर की श्योरिटी की, नहीं तो आमिर को वो कहां से कंपेंसेट? वो तो उनका मसला है ना। मैं मिसाल के तौर पे, आप दो बंदे साथ क्लास लेने के लिए आते हैं और एक पढ़ के पास हो जाता है दूसरा फेल हो जाता है, तो आप कहेंगे जब तक इसको भी पास नहीं करोगे मैं भी दूसरी क्लास में नहीं जाऊंगी? ऐसा थोड़ी होगा, आप अपना पढ़ने के लिए पढ़ के आगे चले गए। जैसा एक और सवाल है मेरा, हाँ सर, अगर आमिर
रिहान को 50,000 रुपए ना देता है ठीक है, तो आमिर कोर्ट में जा सकता है, सॉरी रिहान कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है उसके ऊपर? बिल्कुल जा सकता है भाई, दे आर बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल अगेन जबरदस्त सवाल है, इसके सारे सवाल अच्छे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनालाइज एंड कमेंट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। खैर इसमें एस इससे ज्यादा लगा हुआ है कि मैंने सिर्फ एक एस सा लिया, तो उसमें और भी थे और वो दूसरे एरियाज से थे और हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे कोशिश कर लेते। तो आबिद हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 8 लाख रुपए फ्रॉम साकिब। आबिद ने लोन लिया है किससे? साकिब से। कितने का? 8 लाख रुपए का। लोन वॉज गिवन ऑन द श्योरिटी ऑफ मुनीब, हामिद एंड सुलेमान। तीन लोग थे जिन्होंने श्योरिटी दिए, मुनीब, हामिद और सुलेमान। अब क्या हुआ? अब ये हुआ विद मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ 1.5 लाख, 2.5 लाख और 4 लाख। यानी मुनीब ने कहा कि हाँ मेरे पास 1.5 लाख की ताकत है, और हामिद ने कहा कि मेरे पास 2.5 लाख की है, और सुलेमान ने कहा कि मेरे पास 4 लाख की है रिस्पेक्टिवली। आबिद रीपेड 2 लाख रुपए एंड डिफॉल्टेड। यानी आबिद जिसको साकिब ने 8 लाख का लोन दिया था वो 2 लाख पे कर चुका और अब बैलेंस बचा 6 लाख रुपए का, और आबिद डिफॉल्ट कर गया। कमेंट एंड कंप्यूट द अमाउंट पेबल बाय ईच श्योरिटी। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या आप लोगों ने जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है यूट्यूब पे, उसमें मैंने 7 एग्जाम्पल्स दी थी इस चीज पे, क्या आपने वो देखी है? अगर आपने 7 एग्जाम्पल्स देखी है तो आपके कर जाएंगे। यस सर। चले आप बताना शुरू करें जो यस कह रहा है। यस सर। मुनीब 1.5 लाख देगा, हमीद 2.5 लाख देगा, सुलेमान 2 लाख देगा। सुलेमान कितने देगा? 2 लाख सर। अच्छा तुमने वीडियो देखी थी? एक मिनट। यस सर। सही है, इसने वीडियो देखी थी और इसने जवाब बता दिया। आपका नाम? नाम बता दो ताकि। अच्छा है ना? जिया सर। जिया, ओके, मुझे तुम्हारी शक्ल याद आ गई, अच्छे बच्चे हो तो। चलो नेक्स्ट। सर मैं बताऊं? हाँ, नाम के साथ बताना होगा। सर फरजाद पाए। अच्छा अच्छा जी, फरजाद फरमाइए। सर मुनीब 1.5 लाख देगा, ठीक है, और हामिद और सुलेमान 225 और 225। चलो 225 और 225 देंगे, 150 हो गया, 375 हो गया, ऐसा हो गया 375 हो गया, मसीद 25, 400 और 6 लाख हो गया। सही है, और कोई जवाब? जी सर ऐसे ही होगा, सर ऐसे ही होगा जैसे फरजाद ने बताया। जिया भाई आपको पता चला आपने कहाँ गलती करी है? यस सर समझ आ गया। समझ आ गया, पेपर में गलती नहीं करना ये वाली। ओके सर, ठीक है। और किसी को कोई नहीं समझ आया हो? देयर आर 27 पार्टिसिपेंट्स, 3-4 लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी एक आध लगता है कोई सिगरेट पी रहा है, एक आध लगता है ऑन करके चला गया, एक आध समझ रहा है। भाई प्लीज पार्टिसिपेट कर लो, इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट भी चाहिए प्लीज। क्या है, क्लियर है जी? नहीं समझ आया सर, दीपक को समझ नहीं आया तो भाई पहले बताना था ना। देखिए दीपक, मसला ये है, साकिब को हम सफाई करते हैं स्क्रीन की, फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा देखें, साकिब, आबिद ने साकिब को लोन दिया और 6 लाख रुपए का लोन दिया, 8 लाख रुपए का लोन दिया, साकिब ने 2 लाख की पेमेंट कर दी, 6 लाख बचे और वो डिफॉल्ट कर गया। तीन लोगों ने दी थी श्योरिटी, मुनीब, हामिद और सुलेमान। मुनीब ने कहा था मेरी औकात है 1.5 लाख तक की, हामिद ने कहा 2.5 और सुलेमान ने कहा मैं 4 लाख तक दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब सीन यह है कि 6 लाख रुपए पेमेंट करनी है, हमारा सवाल ये कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इनकी रीपेमेंट कैसे होगी, यानी कौन सा श्योरिटी कितना देने के लिए लायबल है, बस ये एक सवाल है। तो हमने ये देखा था कि अगर कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा को श्योरिटी के केस में, तीनों तमाम को श्योरिटीज इक्वली लायबल टू पे होंगे, और अगर कोई बता दे कि मेरी इतनी लिमिटेशन है तो वो अपनी लिमिटेशन की एक्सटेंड तक लायबल होगा मगर होंगे इक्वली। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो मुनीब की है ही 1.5 लाख, तो अब वो अपनी एक्सटेंड को क्रॉस कर गया, नाउ ही कैन नॉट पे मोर देन 150, बट जो रिमेनिंग बच गए 4.5 लाख रुपए,
उसमें ऐसा नहीं है कि हम हामिद को बोलेंगे कि तुम 2.5 लाख दे सकते हो तो 2.5 लाख दो, पर सुलेमान के साथ जाती हो जाएगी, उसको 1.5 लाख देने पड़ेंगे। अब हामिद को ये भी नहीं कह सकते तुम 2 लाख दो, सुलेमान तुम 2.5 लाख दो, हम प्रोरेट भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इक्वल मांगेंगे 2.25 लाख। तो जोर कहां पर आया, जोर आया प्रोरेटा नहीं होगा और इक्वल पेमेंट होगी टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी अमाउंट। क्या बात क्लियर है दीपक? जबरदस्त। अच्छा जी, अब हमारे पास 5 मिनट रहते हैं तो ये सेशन एक्सपायर होने में और 2 से 3 सवाल है, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं, आप लोग फौरन से आ जाइए ताकि फिर हम नेक्स्ट सवाल सहूलत से अगले सेशन में करें, ठीक है जी? और आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट है, लेकिन मैं नया सवाल ऑन नहीं करना चाह रहा ताकि हम उसको एक ही बारी में पूरा निकालें। सर हमको, हम इसको लिखेंगे कैसे, मतलब आंसर के फॉर्म में? आपको मैं सजेस्टेड आंसर अभी LMS को अपलोड कर दूंगा और मैं आपको लिखेंगे कैसे ये भी बता देता हूँ। अच्छा सवाल है आपका, अभी आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, सबर करें, ये जो 2-3 मिनट है इसमें लिखना भी देख लें। वैसे तो हम सीख चुके हैं कैसे ड्राफ्टिंग होगी। देखें सिंपल, आपने पहले बताना होगा इसको लॉ, आप बताएंगे कि इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 फलाना डिमकाना कि ऑल द कोश्योरिटीज आर इक्वली लायबल अनलेस अग्रीड अदरवाइज एंड इफ दे अग्रीड टू कॉन्ट्रीब्यूट The extent of amount, जो भी लॉ है मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, लेकिन आप एक बार रीड करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। If they have agreed to contribute the extent, if they have agreed to contribute the extent of amount, they will pay equally. They will pay equally, but up to the extent of guaranteed amount. ये आपने लॉ बता दिया। फिर आप बताएंगे इन द लाइट ऑफ गिवन सिनेरियो, ऐसा नहीं ऐसा हुआ है कि 8 लाख का हुआ था और 2 लाख पे कर दिए, क्योंकि सवाल में उसने 6 लाख कहीं नहीं लिखे हुए, हमने 8 में से 2 माइनस करके निकाले। आप कहेंगे कि 6 लाख का अमाउंट बाकी है और कंक्लूजन ऐसा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ अफोरमेंशन या अबव मेंशनड लॉ, क्योंकि सिंस मुनीफ ने कहा ही 1.5 लाख था तो उसकी इतनी लिमिट है तो वो 1.5 लाख देगा और बाकी 2 पार्टनर्स में हम प्रोरेट नहीं करेंगे और they will be pay equally liable, यानी जो दो हैं वो 2 sureties equal liable होंगे 2 पे, उसका ratio बनता है 2,25,000 रुपए, simple, 4.5 लाख। क्या बात clear है? Yes sir, clear है बिल्कुल। ठीक है जी, चले आए इसको disconnect करते हैं और फौरन से connect करते हैं। अब एक नया सवाल करने जा रहे हैं, सवाल छोटा है लेकिन उसके marks बहुत बड़े हैं, तो ये ICAP का एक अपना style है, सवाल छोटा मार्क्स ज्यादा, सवाल बड़े मार्क्स कम। तो अब एक नया सवाल हम देखने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, सवाल ये है, बनी एक्सटेंडेड अ क्रेडिट ऑफ 5 लाख रुपए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपके सामने जी, माइक ऑफ कर दें प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा जी, सवाल यह है कि बनी एक्सटेंडेड अ क्रेडिट ऑफ 5 लाख रुपए टू सोहेल ऑन द श्योरिटी ऑफ माजिद एंड राहत। बनी ने एक्सटेंड कर दी, क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपए का क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया, किसको? सोहेल को, और इसकी गारंटी किसने दी थी? माजिद और राहत ने। तो हो गए, यहाँ पे भी हो गए को-श्योरिटी। ऑन द डेट ऑफ पेमेंट सोहेल डिफॉल्टेड एंड माजिद सेटल्ड द डेट। डेट ऑफ पेमेंट के वक्त सोहेल ने डिफॉल्ट कर दिया और माजिद भाई ने पूरे पैसे दे दिए, किसको? बनी को। इसमें कोई मसला परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगा अब तक। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब्स द राइट्स अवेलेबल टू माजिद एंड राहत अगेंस्ट सोहेल एंड बनी एंड ऑल्सो बिटवीन देमसेल्व्स। अब ये एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रादर देन इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। इसमें यह कह रहा है कि माजिद और राहत जिन्होंने श्योरिटी दी थी, गारंटी दी थी सोहेल के लिए, उनके राइट्स क्या हैं सोहेल के अगेंस्ट,
उनके राइट्स क्या हैं बनी के अगेंस्ट, और इन दोनों के आपस के अमंग देमसेल्स अमंग श्योरिटीज एक दूसरे के क्या राइट है। अब यहाँ पर जिसको जितना याद है वो सारा लिखना पड़ेगा, कोई आप में से शेयर करना चाहे मेरी हेल्प करना चाहे तो बता दे, अदरवाइज हम इसको देख लेंगे। 8 मार्क्स का सवाल जी क्लास प्लीज। जी आपने सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। जी बड़ा सिंपल सा सवाल है, माजिद और राहत ने श्योरिटी दी कि सोहेल को पैसे दे दो, क्रेडिट बढ़ा दो, बनी हम तुम्हें सेटल कर देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। सोहेल ने डिफॉल्ट कर दिया, माजिद ने सारा का सारा पैसा बनी को दे दिया। अब सवाल यह है कि माजिद और राहत के सोहेल के अगेंस्ट क्या राइट है, बनी के अगेंस्ट क्या राइट है, और आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट क्या राइट है। सर जी राइट टू सिक्योरिटीज होंगे। ऐसे नहीं भाई, हेडिंग वाइज चलना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट बता रहे हो। सर राइट टू श्योरिटी होगा माजिद एंड राहत के अगेंस्ट क्रेडिटर, माजिद और राहत। बोलो। राइट टू श्योरिटी होगा सर माजिद एंड राहत अगेंस्ट क्रेडिटर, मतलब बनी के अगेंस्ट होंगे राइट टू श्योरिटी। राइट टू सिक्योरिटी और श्योरिटी, श्योरिटी राइट टू श्योरिटी होगा, फिर से बोलना। माजिद एंड राहत अगेंस्ट क्रेडिटर मतलब बनी, राइट टू श्योरिटी होगा। यस सर, फिर राइट टू सिक्योरिटी भी अलग होगा। राइट टू सिक्योरिटी होगा, दूसरा होगा सबरोगेशन। राइट टू सबरोगेशन ठीक है। और क्रेडिटर के अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, सोहेल के अगेंस्ट होगा, सोहेल के अगेंस्ट क्या होगा, सॉरी सोहेल के अगेंस्ट सबरोगेशन होगा। यहाँ पे मैं गलत करी है, सॉरी। यहाँ पे इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी होगा, सॉरी सर, सोहेल विल बी लायबल टू पे पे द अमाउंट टू माजिद एंड राहत। बिल्कुल सही जवाब दिया हसन ने। जी और कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे। सिंपल है ना, एक ने जाके पूरा पैसा दे दिया तो अमंग देमसेल्स में वो उससे 50% क्लेम कर लेगा। माजिद इज एंटाइटल्ड टू, बिल्कुल जबरदस्त। अलीशा का आंसर भी सही, आप सबके आंसर जो चैट बॉक्स में है वो बिल्कुल सही है। सर जी सर इधर सारे राइट्स मेंशन करना जरूरी है कि हम लोग सिर्फ केस में देखेंगे, केस में कौन कौन से राइट्स लग रहे हैं। नहीं केस में सारे राइट्स लग रहे हैं ना। और नहीं सर कुछ ऐसे राइट्स ना, जैसे कुछ राइट्स, ये एक राइट ये था सेट ऑफ, मतलब इधर सेट ऑफ का तो कुछ लिखा ही नहीं, तो हम लोग ये सेट ऑफ वाला भी लिखेंगे राइट ऑफ क्रेडिटर्स में, जो राइट ऑफ श्योरिटी आ रहा है क्रेडिटर के खिलाफ। मार्क्स को देखते हुए लिख दोगे तो मसला नहीं है वैसे। तो 8 मार्क्स अगर इधर केस में कहीं सेट ऑफ के बारे में नहीं लिखा हो तो हम लोग सेट ऑफ भी लिखेंगे। लेकिन देखो वो कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द राइट्स अवेलेबल, अवेलेबल कौन कौन से, कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो नहीं होने लिखने हैं। आप चाहें तो ना लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा है। इट्स मोर लाइक अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रादर देन अ प्योर स्पेसिफिक केस क्वेश्चन। एक जनरल सवाल पूछते हैं, बाकी ये सवाल सिंपल था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा अगला सवाल है, माजिद एंड सुमरो वेंट टू अ मनी लेंडर, माजिद और सुमरो गए मनी लेंडर के पास, और माजिद सेड टू मनी लेंडर लेट सुमरो हैव अ लोन ऑफ 50,000 रुपए, आई इंश्योर दैट यू विल बी पेड, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट माजिद्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। पहले बताना है कौन सी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जी क्लास, माजिद और सुमरो गए कर्ज देने वाले के पास, माजिद ने कहा लेट सुमरो हैव अ लोन ऑफ 50,000 रुपए, आई इंश्योर दैट यू विल बी पेड। अल्फाज को गौर से देखिएगा, जी और कोई,
जी क्लास प्लीज, और कोई अपना पार्टिसिपेशन करना चाहे? जी, तीन चार लोगों ने अब तक रिप्लाई किया, और कोई? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन और इंडेमनिटी की डेफिनेशन को एक बार अगर हम सोचें, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये था कि एक प्रोमिसर प्रोमिस करता है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान होगा मेरी वजह से या किसी और की वजह से, तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। दिस इज इंडेमनिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक बंदा श्योरिटी देता है किसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है? अब थोड़ा इसको, इस डेफिनेशन को देखते हुए गौर कीजिए। माजिद ने सुमरो से कहा, माजिद ने मनी लेंडर से कहा, लेट सुमरो हैव अ लोन ऑफ 50,000, आई एम श्योर दैट यू विल बी पेड। सर ये श्योरिटी है शायद। थ्री पार्टीज का होना जरूरी तो नहीं है कि इसको गारंटी बनाए। इंश्योरेंस का केस में भी तो तीन पार्टीज होती है, हमने कल तो देखा था। एक वो शख्स जिसको इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कोई मसला होगा, इंडेमनिटी होल्डर, तो हम तुम्हें पे करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनीफायर, गाड़ी को मार के चला गया कोई तीसरा आदमी, इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर से कह रहा है मैं तुम्हें लॉस बेयर करके दूंगा, कंपनसेट करूंगा, अगर कोई मेरी वजह से नुकसान हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से नुकसान हो। इधर भी थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व, बट ऑल थ्री पार्टीज आर नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहाँ पे तीनों पार्टीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? क्योंकि माजिद यहाँ पर सुमरो की गारंटी ले रहा है मनी लेंडर के थ्रू। कहाँ लिखा हुआ है गारंटी ले रहा है, यही तो सवाल है। सर श्योरिटी ले रहा है तो सेट टू द मनी लेंडर ना, तो उसने कहा है तभी तो उसने लेंड किए मनी। व्हाट सेट टू मनी लेंडर? सेट टू मनी लेंडर तो है, कह क्या रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। सर दैट ही विल बी पेड, वो अश्योर कर रहा है कि वो पे करेगा, वो गारंटी का ले रहा है, यानी वो एक तरीके से वादा कर रहा है कि वो कंप्लीट करेगा। सर श्योरिटी तो ले रहा है ना, श्योरिटी तो ले रहा है मगर गारंटी नहीं कर रहा है, एक तरीके से वादा कर रहा है कि आई विल बी पेड टू यू। मसला है लॉ के अंदर, मसला यही है। नहीं, वो इंश्योर कर रहा है कि वो उसे पेमेंट मिलेगी। वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा कि वो कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। इट्स मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रादर देन गारंटी। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें दूंगा, वो ये कह रहा है कि तुम्हें मिल जाएंगे। ये कौन था वैसे? तो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि आई इंश्योर दैट यू विल बी पेड, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये कहा कह रहा है कि गारंटी दी जा रही है, और ना इस पे कहां कुछ लिखा हुआ है? सिंपल, आई इंश्योर दैट यू विल बी पेड, प्रॉमिस टू कंपनसेट है रादर देन द गारंटी। माजिद के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है सर। माजिद ने जिम्मेदारी ली है, वो उसकी गारंटर बन के वहां पे गया है, कि माजिद के कहने पर ही उसने आगे उसे लोन दिया है सुमरो को। तो नहीं ले रहा ना कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, वो ये कह रहा है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा। वो गारंटी दे नहीं रहा, वो कह रहा आपको मिलेगा, सिंपल। वो श्योरिटी दे नहीं रहा, तो यही तो श्योरिटी होती है कि आपको मिलेगा, आप टेंशन नहीं ले, आपको मिल जाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा इधर? तो ये कहाँ का लिखा हुआ है कि गारंटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है? यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे माजिद ने
शुमरो को लोन मिलने पे जो पैसे दिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट करेगा तो पैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। नंबर टू, अगर इंडेमनिटी है तो माजिद ने जो पैसे दे दिए मनी लेंडर को वो कहानी खत्म, लेकिन अगर गारंटी है तो माजिद के अपने राइट्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे। खैर ये बहुत बारीक बीनी वाले सवाल होते हैं, ऐसे पेपर में पूछने नहीं चाहिए मगर आके पूछता है, और ये केस इंडेमनिटी का है ना कि गारंटी का। सवाल में कहीं लिखा हुआ भी नहीं तो जबरदस्ती ढूंढो नहीं कि श्योरिटी दे रहा है गारंटी दे रहा है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सही है जी, मतलब श्योरिटी होता है, नहीं होता ना भाई, ये लॉ है, ये इंग्लिश नहीं है। इंश्योर तो फिर यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन कर दीजिएगा एग्जाम में। ये भाई ये मसला आता है, दिस इज द प्रॉब्लम विद द आईकैप, आपको वहाँ का स्टैंडर्ड का नहीं पता, मगर ये अगला सवाल तो आप लोगों को क्लीन बोल्ड करने वाला है फिर। और एग्जामिनर के अपने कमेंट्स भी अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसने खुद ने कहा बच्चों ने गलती की है। प्रॉब्लम ये आता है कि लॉ के अंदर लॉ की इंटरप्रिटेशन का मसला होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है एट टाइम्स कि एक लॉ जैसे लिखा हुआ होता है, जैसे मैं आपको एक वर्ड्स लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या फर्क है, ऐसे ही समझाने के लिए ताकि आपको बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये गलती करी तो यू शैल पे रुपीज 5000, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने गलती करी तो यू विल you shall be liable to pay 5000, इन दोनों वर्ड्स को देख के अगर आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या इंग्लिश की बेसिस पे फैसला करें तो मुझे सिर्फ इन दोनों में फर्क बता दें। सर फर्स्ट वाले में आप बोलें कि अगर गलती होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, मगर सेकंड वाले में ये बोलना आप कि अगर गलती होगी तो हो सकता है आगे भी कोई कंडीशन हो जिसकी वजह से पैसे देने पड़े, मतलब आपको 100% ये नहीं, आप ये नहीं है कि आपने अगर ये किया तो आपको पैसे देने लाजमी पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं देने। शैल बी लायबल का मतलब समझा दो। सर आपके ऊपर 5000 की लायबिलिटी है दोनों सूरतों में। नहीं देखिए शेल पे में तो, शेल पे में वैसे ये है कि आपको देने ही देना है, और लायबल टू पे में शेल के साथ है, मे बी लायबल नहीं लायबल तो शेल बी का मतलब ये हो गया ना, क्या पता देने पड़े। सर मैंने उल्टा बोल दिया, चलो सीधा कर दो। सर शैल बी लायबल टू पे मतलब कि आपको देने लाजमी पड़ेंगे, और शैल पे का मतलब है हो सकता है देने पड़े। मैं सिर्फ एक चीज इंश्योर कराना चाह रहा हूँ, आप सबके पॉइंट्स अपने सारे सही हैं, सबके इंटरप्रिटेशन अलग है ना, दिस इज द केस, मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा ये एग्जाम्पल कोई दूर की नहीं है, मैं फ्राइडे को ही, कल नहीं परसों देख रहा था एक केस लॉ। जब हम लॉ को रीड करते हैं ना तो लॉ में लिखा हुआ होता है कि अगर आपने वक्त पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी, एंड यू विल बी लायबल टू पे 10,000, 20,000 व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। अब एक केस लॉ में एक जज ने उसके ऊपर फैसला ऐसे दिया है कि क्योंकि शैल बी लायबल टू पे लिखा है तो उसको माफ किया जा सकता है, और शैल पे का मतलब देने ही देने। अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है, कोई लोग इसको एक ही जैसा पढ़ते हैं, जज ने अलग पढ़ा तो जिसने केस फाइल किया था उसकी बचत हो गई। अब आईकैप का मसला ये है कि वो एट टाइम्स केस लॉस से चीजें उठा लेता है और आपको नहीं पता होती, और ये मसला है। आई एम सेइंग कि ये प्रॉब्लम प्रोफेशनल लेवल पे आती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई इतना इनडेप्थ पढ़ता नहीं है शायद, तो उनको ये चीज ना फेस करनी पड़े, क्योंकि अब हमने सवाल देख लिया तो मैं भी पूछूंगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप भी पेपर में बोल्ड हो जाते हैं, अभी यहाँ पर हम साथ ही हो गए। तो ये हो सकता है कोई केस स्टडी से उठाया हुआ एक्सट्रैक्ट हो तो उसमें ये कंसेंसस डेवलप हुआ। हर चीज लॉ में नहीं होती, कुछ केस लॉस से भी चीजें डिफाइंड होती हैं। तो इस केस तो मतलब दोनों का कहीं कहीं अलग जगह पे अलग अलग मतलब होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज एवरलास्टिंग नहीं होती, वो चेंज हो सकती है, हर कोई आके अपनी कहानी सुना सकता है अगर वो कन्विंस कर दे कोर्ट ऑफ लॉ में। यहाँ पर हम इसको इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्कआउट करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं गारंटी के अल्फाज नहीं है, फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे हैं कि इसको पढ़ के लग तो रहा है कि गारंटी है मगर है नहीं। This is the problem. अब आपने ये समझना है अपने लेवल पे चीजों को आसान रखने के लिए कि ना गारंटी की बात हुई है, ना गारंटी के अल्फाज है, ना श्योरिटी का तस्करा है,
इसको इतना सिंपल रखो, दिस इज दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. क्या ये बात समझ आई क्लास? तो ये लास्ट लाइन रिपीट करें. आपने अपने लिए इसको इतना सिंपल रखना है कि सब ऊपर वाले सवालों में अगर आप गौर से देखते हैं तो श्योरिटी 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 का तस्करा आ रहा है, गारंटी की बातें चल रही हैं, डेट का तस्करा आ रहा है, सेटलमेंट का तस्करा आ रहा है, डिफॉल्ट का तस्करा आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा. यहाँ पे सिंपल ऐसा लग रहा है कि कंपनसेशन के वादे चल रहे हैं. तो कंपनसेशन के वादे के केस में इंडेमनिटी, अदरवाइज श्योरिटी की वर्डिंग विद गारंटी इट्स गारंटी. ठीक है जी. अच्छा अब ये सवाल किसी को नहीं भी समझ आया ना, हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. इसका सजेस्टेड आंसर आप रीड कीजिएगा, मैं LMS पे भी अपलोड कर दूंगा. अगला सवाल पढ़ें और कंफ्यूज हो जाएं प्लीज. आइए एंजॉय करते हैं. अगला सवाल पढ़ें. अगला सवाल पढ़ते. मुजीब ऑब्टेन अ गारंटी जनरेटर. मुजीब ने एक जनरेटर पकड़ा, खरीदा लीज पे for a period of 6 years, for a period of 6 years from Munaf. मुजीब ने मुनाफ से लीज पे यानी किस्तों पे जनरेटर लिया 6 साल के पीरियड के लिए, जिसका एनुअल रेंट है 1,20,000 रुपए. फरीद एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. फरीद साहब ने एग्जीक्यूट किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ मुनाफ, मुनाफ की फेवर में, गारंटिंग ड्यू पेमेंट ऑफ रेंट बाय मुजीब. कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि पे करेगा और नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा. इन थर्ड ईयर मुजीब डिफॉल्टेड इन पेमेंट. मुजीब साहब डिफॉल्ट कर गए. मुनाफ साहब सूट फरीद. मुनाफ ने फरीद पे सू कर दिया जिसने गारंटी दी थी और गॉट अ डेक्री. डेक्री कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर को. फरीद गेव नोटिस टू मुनाफ रिवोकिंग हिज गारंटी फॉर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग लीज. सर इतनी लंबी लीव हुई है, इसको आसान करते हैं. मुजीब ने रेंट पे जनरेटर लिया मुनाफ से 1,20,000 रुपए जिसका सालाना रेंट है, और फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स के लिए लिया. ठीक है. 3 सालों के बाद मुजीब डिफॉल्ट कर गया. फरीद जिसने गारंटी दी थी इसने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा और नोटिस दे रहा है कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आई एम नॉट लायबल, फ्यूचर रेंटल्स के लिए, फ्यूचर रिमेनिंग पीरियड के लिए आई एम नॉट लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट. Identify the nature of Farid's guarantee. Farid की guarantee का nature बता दो. And अब ये तो confirm हो गया ना इस सवाल को पढ़ के, ये आया कहाँ से contract of guarantee से. अब इसकी nature identify करनी है and explain क्या Farid would be discharged under the above circumstances. क्या Farid को हम छुट्टी दे सकते हैं कि नहीं. ठीक class please. Interesting सवाल है. I hope मुझे लगता है कि 90% लोग इसको गलत करेंगे. जी प्लीज बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब देखें आधा बच्चा मौजूद है आधा नहीं है, वो इस नेमत से महरूम रह गया. अगर पेपर में मैं ये सवाल डाल दूं वो गलत कर देगा तो आप लोग सीरियसली नहीं. सर ये ऑन भी गारंटी समझ आ रहा है कि गारंटी है बस. नहीं गारंटी तो है, उसने पूछा है नेचर बताओ कौन सी गारंटी है, और हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ गारंटी. सर ऑनगोइंग जबरदस्त. और मेरे भाई और कोई जवाब? तो ऑनगोइंग गारंटी है तो अपना आंसर तो पूरा करो. क्या वो फ्यूचर के लिए कह सकता है कि मैं नहीं खेल रहा? जी क्लास प्लीज. तो स्पेसिफिक होगी ना, क्योंकि 6 साल का टाइम हमें बताया हुआ है. तो सर 6 साल तक जो हमारा मुनाफ है जिसने गारंटी ली थी, तो सर उसको तो देना पड़ेगा ना 6 साल तक, और वो रिवोक कैसे कर सकता है? बात तो इसकी भी सही है. और कोई? सर ऑनगोइंग होगी ना, क्योंकि 6 अगर स्पेसिफिक होती तो मतलब एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती ऑन द टाइम. जैसे जैसे किसी ने डिफॉल्ट किया अगर, तो जो है ना हाँ उसने उसको रीपे कर दिया, तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती. लेकिन 6-6 साल तक अगर चल रहा है तो 6 years लॉन्ग टाइम पीरियड है, और इसमें जो है वो लायबल 6 साल तक रहेगा. और हाँ बीच में से जो है वो रिवोक भी कर सकता है मेरे ख्याल में. तो 6 साल तक अगर कोई गारंटी दे दे तो यहाँ तो लोग जिंदगी गुजारने की बातें करते हैं, तो क्या मतलब? मेरे को आपकी बात, आपका आर्गुमेंट ही गलत है. 6 साल इज द लॉन्ग पीरियड, सो व्हाट?
गारंटी दे दी दे दी. दिस कैन नेवर बी आर्गुमेंट. सर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हैं क्योंकि. हाँ बोलो सर. वो नोटिस देके तो रिवोक कर सकते हैं. अभी पहले तो ये मसला सुलझाओ कि ऑनगोइंग है कि स्पेसिफिक है, फिर आगे बताओ अगर ऑनगोइंग है तो रिवोक कर सकता है कि नहीं, और स्पेसिफिक है तो कर सकता है कि नहीं. लेकिन स्पेसिफिक ट्रांजिशन के लिए तो स्पेसिफिक ट्रांजिशन होती थी सर. सर ये ऑनगोइंग है और उसे नोटिस देकर इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकता है, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड कर रहा हो या फिर धोखा कर रहा हो, उसके साथ धोखे में रखा हो और उसे बात पता चल जाए, तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है आगे उसे. तुम्हारा दिमाग दूसरी दुनिया में चला गया. धोखे वोखे की यहाँ कोई बात नहीं, जबरदस्ती फैक्ट्स नहीं लेकर आओ, उल्टी सीधी बातें कर रहे. सर रिवोक नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि उसने पहले जो है वादा कर लिया था देने का, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, तो इसलिए अभी वो रिवोक नहीं कर सकता जब तक वो टाइम पीरियड. तुम्हारा जवाब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसे नहीं होगा. नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं, पहले नेचर बताओ कौन सी वाली है, फिर कर सकता है कि नहीं. ongoing है और कोई सर स्पेसिफिक में तो एक ट्रांजिशन सर स्पेसिफिक है ना. ऊपर आपने शायद दिखा था कंटिन्यूइंग है किसने पता नहीं. खैर आप कह रही है स्पेसिफिक है और कोई. अच्छा आप मैं मजे की बात बताऊं, ये सवाल मुश्किल है और मजे की बात ये पेपर में ऐसा सवाल पूछने नहीं थे क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स भी मैंने देखे थे इस क्वेश्चन के लिए और ये कौन अपने घर के नीचे पुलिस की गाड़ी लेके घूम रहा है कि लॉकडाउन कर दें, ऐसे ही कोई आवाज था. खैर बहरहाल तो अब मैं मेरी बात समझे, एग्जामिनर कमेंट्स में भी ये लिखा हुआ है कि मेजोरिटी बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया. और मेरा ये समझना है कि एग्जाम लेवल पे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट अगेन आईकेप के पेपर में ऐसे सवाल होते हैं, सिर्फ लॉ में नहीं हर पेपर में होते हैं, तो यही डिफेंस करता है स्टैंडर्ड को और जो भी हमारे मामले आते हैं. बहरहाल तो ये मेजोरिटी ने इसका आंसर गलत दिया है, दिस इज स्पेसिफिक गारंटी. अब स्पेसिफिक क्यों है आइए इस पर चर्चा करते हैं. देखिए बात सुनो, मुजीब ऑब्टेन अ जनरेटर ऑन लीज For a period of 6 years, 6 साल को जो इसने स्पेसिफाई किया वो फॉर अ पीरियड क्या है? From मुनाफ एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1 लाख भी. अगर सवाल में ये लिखा होता कि मैं ईच ईयर के रेंटल की गारंटी दे रहा हूं तो ये स्पेसिफिक नहीं ऑन गोइंग हो जाता, क्योंकि ईच ईयर की गारंटी देना इट सेल्फ एक हर साल की एक अलग गारंटी हो गई. मेरी बात समझ आ रही है? फॉर अ पीरियड इटसेल्फ एक आइसोलेशन में पूरा पीरियड है और उस पीरियड की मुद्दत 6 साल थी. दिस सेंटेंस मेक्स दिस क्वेश्चन अ स्पेसिफिक गारंटी. दिस हाउ द बारीक इज लॉ, दिस हाउ इट इज. ये पूरा प्रोफेशन ऐसे ही नहीं है, इसीलिए ये पूरा प्रोफेशन है. और हाँ ये इस सवाल में करनी पड़ती है, वैसे अब तक हम पढ़ते रहते थे तो निकल जाते थे, आपको पढ़ाया मैंने बहुत सारे सवाल, मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इतनी छोटी छोटी बातें पिक करना पड़ती हैं, वैसे भी करनी पड़ती है, पूरा लॉ पिक करना पड़ता है. हम सारा दिन लॉ को इंटरप्रिटेशन में ही देख रहे होते हैं, तो हम आपस में कलीग्स की भी राय डिफरेंट होती है. ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, दिस इज द लॉ, ये लॉ की एक दुनिया है पूरी. मगर इस सवाल का आंसर समझने के लिए आपने इस फ्रेज को समझना होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स. और इसमें किसी की कोई दूसरी राय भी हो सकती है, बट इसकी यही इसमें यही आंसर बनेगा. दिस इज सर अभी समझ नहीं आया, अभी भी नहीं आया ना, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूं. मुझे पता है ये ग्रे एरिया, दैट इज मुश्किल. देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ. देखिए वो कह रहा है मुजीब ऑब्टेन अ जनरेटर ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स. 6 ईयर्स पे जोर नहीं है यहाँ पे, फॉर अ पीरियड पर है. वो पूरे 6 साल को एक पीरियड ले रहा है, आ पीरियड. इसका जोर किस पे? आ पीरियड. एक पीरियड 6 सालों का, एक पीरियड 6 सालों का जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, एक पीरियड 6 सालों का जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूं. दिस इज स्पेसिफिक. दिस इज सर उसके बीच में जब भी डिफॉल्ट करेगा वही जिम्मेदार होगा. हाँ 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 बिल्कुल 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 ऐसा ही है. सर इसका एग्जांपल हम इस तरह ले,
ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है सिर्फ वो एक जनरेटर के लिए हो रही है ना, मतलब एक ट्रांजैक्शन ड्राइव हो रही है इससे? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर वर्डिंग ये हो जाती कि हर साल के रेंटल के लिए अलग अलग लायबल हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, तो फिर ये ऑनगोइंग हो जाती है, वर्डिंग चेंज हो जाती है ऑनगोइंग से। वो अक्सर एक शेर पढ़ा जाता है ना कि हम दुआ लिखते हैं वो दगा पढ़ते हैं, कम वक्त एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। आप देख ले सिर्फ वो नुक्ते की गलती कर रहे हैं, मतलब ही चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे भी वर्डिंग सा कमाल है सारा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और यकीनन ये भी केस किसी ना किसी केस लॉ से उठाया हुआ है, तभी इसमें इतना ये थोड़ा सा वेगनेस है। ये स्पेसिफिकली लॉ से नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में केस डिसाइडेड होगा, वहां से ये एक्सट्रैक्ट उठा के इसने सवाल फेंका। और ये ऐसा पूछना नहीं चाहिए, बट दिस इज द पॉइंट, ये ऐसा ही है। खैर, आपको मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो आप लोग इतनी टेंशन ना लीजिएगा। आपको ये सवाल पास पेपर से गुजारना मकसूद था, पेपर में यकीनन मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा हल्का आती रखेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो दैट इज ग्रेट, और नहीं हुआ तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी क्लास प्लीज। सर वो डिस्चार्ज वाला जो आगे वो आप डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एंड हो गया। एक्सप्लेन वेदर फरीद वुड बी डिस्चार्ज, तो नहीं होगा ना डिस्चार्ज, उसको ही इज लायबल टू पे। सर बट हो सकता है ना इन फ्यूचर अगर वो रिवोकेशन का नोटिस दे दे। नहीं हो सकता, कहां लिखा है? हमने देखा था सिर्फ ऑनगोइंग गारंटी में नोटिस दे सकता है रिवोकेशन का, उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनका ताल्लुक फ्यूचर से होगा। तो यहां पे तो ऑनगोइंग है ही नहीं, तो रिवोकेशन भी नहीं है। क्या बात के लिए रखे सर? ठीक है जी, तो इसको यहीं तक रखते हैं हम। आज का हमारा सेशन खत्म हो गया। अगले सेशंस के लिए मैंने जो सोचा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ।